करवा चौथ के पर्व पर जहां एक तरफ महिलाएं अपने पति के लिए दीर्घ आयु की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना कर रही है, वहीं लखीमपुर खीरी शहर के काशीनाथ ज्वेलर्स के पारिवारिक सदस्य विमलेश भदौरिया ज्वेलरी शॉप पर आने वाले दंपत्ति को हेलमेट सुरक्षा कवच पहनाकर सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। वही हादसे से बचाव के लिए बाइक पर हेलमेट लगाकर सुरक्षित चलने की बात भी कह रहे हैं। अपनी जीवन संगिनी को तोहफा दिलाने पहुंचे पतियों को जीवन सुरक्षा कवच हेलमेट पहनाकर काशीनाथ फर्म दीर्घ आयु की कामना करने वाली सुहागिनों का फर्ज भी निभा रही है। आपको यह भी बता दें कि नवंबर माह में यातायात माह भी चल रहा है। वही हेलमेट वितरण में पहुंचे ट्रैफिक इंस्पेक्टर सूर्यमणि यादव ने भी इसे सराहनीय कदम बताया। यूं तो सुर्खियों में रहने वाले काशीनाथ ज्वेलर्स के पारिवारिक सदस्य विमलेश भदौरिया संपूर्ण लॉकडाउन के कोरोना काल में गरीब परिवारों के मसीहा बनकर उनके घरों तक राशन पहुंचाने से लेकर हर जरूरतमंद की मदद की है। करवा चौथ के इस पर्व पर काशीनाथ फर्म की तरफ से उठाया गया यह सराहनीय कदम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये आज करवा चौथ का त्यौहार है। करवा चौथ त्यौहार पे हम लोगों ने सोचा हमारे सम्मानित ग्राहकों के साथ में आज कुछ नया होना चाहिए, इस पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलमेट वितरित किए गए। ये आज लाला काशीनाथ ज्वेलर्स के यहाँ ये लोग अपने सम्मानित ग्राहकों को हेलमेट वितरित इसलिए कर रहे हैं, आज करवा चौथ का है। अपने महिलाएं अपने पति की सुरक्षा के लिए व्रत रखती हैं, तो उसी उनके उनके पति की लंबी आयु हो। और हेलमेट, चूँकि जो लोग हेलमेट लगा के नहीं चल रहे वो अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जब एक्सीडेंट होता है तब इस बात का पता चलता है कि हेलमेट की कितनी आवश्यकता होती है। हेड इंजरी बहुत खतरनाक होती है, अगर हेलमेट लगा होता तो हेड इंजरी से बचाव हो जाता है, इसलिए हेलमेट वितरित करवाए गए कि ये लोग हेलमेट लगाएं और सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें।